सब्सक्राइब कीजिए माम स्वीटर चैनल को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो एंड ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं बात करने वाली हूँ लेमन की यूज़ से आप अपना ड्राई एंड ऑयली स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं एंड लेमन से स्किन को वाइटनिंग कैसे बनाना है ये भी आज मैं बताऊँगी। अगर आप ड्राई एंड पैची स्किन प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हो तो आपको लेमन अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए हमें एक लेमन को कट करके उसका जूस निकाल लेना है। इस क्लीन बोल में एक चम्मच लेमन जूस, एक चम्मच हनी एंड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आलमंड ऑयल डाल देना है। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब कॉटन की मदद से ये बनाया हुआ सॉल्यूशन को डिप करके अपने फेस में धीरे से अप्लाई करें। फेस में अप्लाई करने के बाद 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। 20 मिनट रखने के बाद कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर ले। ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट फेस मास्क है। ये ड्राई स्किन को नरिश करता है, स्किन की ग्लो ऐड करता है। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ऑयली स्किन के लिए एक चम्मच रॉ मिल्क, एक चम्मच लेमन जूस, एक चम्मच हनी ले लेना है। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये मिक्सचर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और ज़्यादा ऑयल भी ऐड नहीं करेगा। कॉटन की मदद से इस मिक्सचर को अपने फेस में धीरे से अप्लाई करें। अगर आपको फेस में बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं एंड आप जल्द से जल्द उसको हटाना चाहते हो, नींबू से बनाया हुआ ऐसा एक वीडियो है मेरे चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। इस मिक्सचर को अपने फेस में अप्लाई करके 5 to 10 मिनट के लिए वेट कीजिए एंड 5 to 10 मिनट हो जाने के बाद गुनगुना पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। फेस वाइटनिंग के लिए एक नींबू का स्लाइस कट कर लीजिए। नींबू स्लाइस के ऊपर फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी ऐड कीजिए। अब इस नींबू स्लाइस से आप अपने फेस को रब कीजिए, लेकिन जेंटली। थोड़ी थोड़ी देर बाद उंगली की मदद से नींबू का रस को ऐसे निकाल लीजिए। पूरे फेस में नींबू एंड हनी का मिक्सचर लग जाने के बाद 5 to 10 मिनट के लिए वेट कीजिए एंड 5 to 10 मिनट के बाद कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में डैंड्रफ क्योर करने की होम रेमेडी बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहे, खुश रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए।